हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने पास ओप्पो A38 स्मार्टफोन और आज हम आपको बताएंगे कि आप लोग ओप्पो A38 स्मार्टफोन में आप कार डिस्प्ले फुल स्क्रीन फोटो को किस तरीके से लगा सकते हो। जब भी गाइस आपके फोन में किसी का भी कॉल आए उस टाइम जो फुल स्क्रीन में फोटो आपका लग जाए, आपको इस सेटिंग को किस तरीके से ऑन करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करते, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक प्ले स्टोर से एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करना होगा। तो प्ले स्टोर में जाना है और आपको यहाँ पे जोल्ट सर्च करना है। मैं ऐप का नाम बाद में बता दूंगा किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो इस ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मैंने इस ऐप को पहले से डाउनलोड कर रखा है तो कुछ परमिशन वगैरह भी इसकी करनी होगी। तो यहाँ पे देख दो सेटअप जोल्ट का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे आपको इलेवल का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इनेबल करके आपको फोन से हटाके से जोल्ट पे सर्च करना है। जोल्ट पे सेट करने के बाद आपको नीचे सेटल डिफॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको सेटल डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस है वो मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली से आपको बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कस्टम बैकग्राउंड का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। आपको कस्टम बैकग्राउंड के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इमेज का, तो आपको सिंपली इमेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा गैलरी की तरफ, आप लोग पहुंच जाओगे गैलरी में। गैलरी में पहुंचने के बाद गाइस आपको अपना वो फोटो सेलेक्ट करना है जो आपको कार डिस्प्ले फुल स्क्रीन फोटो में लगाना है। तो मुझे यहाँ पे अपना कोई भी सा भी मैं अपना फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको भी कोई सा भी कर लेना है, तो मैं यहाँ पे इस फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस ऐप का नाम मैं बता दूँ। इस ऐप का नाम आपको प्ले स्टोर में जोल्ट कार बैकग्राउंड स्क्रीन सर्च करना है और ऐप को डाउनलोड करना है। तो उसके बाद गाइस आप फोटो को कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो, क्रॉप वगैरह करके आप इसे डन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ, देखो कार बैकग्राउंड है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। उसके बाद गाइस आपके फोन में कार डिस्प्ले फुल स्क्रीन फोटो है वो आसानी से यहाँ पे लग जाएगा। नीचे आपको नेक्स्ट का बटन दिया, नेक्स्ट कर देना है वो फोटो लग जाएगा।